हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कंपोजर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या है दो इम्पोर्टेंट डेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको भी नहीं भूलनी है, हालांकि इंडिया के लिए बहुत घातक रही है डेट्स। 11 मई 2020, 3 दिसंबर 1984, हुआ क्या इस दिन, किस कारण हुआ, वो सारी चीज़ मैं आपको बाद में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ठीक है, अभी कमेंट एक सर ने किया था कि विशाखापट्टनम में जो दुर्घटना है उसके बारे में बताइए। तो ये जो टॉपिक था केमिस्ट्री से टच में था, तो मैंने वीडियो बनाना समझा इस पर, तो आज मैं वीडियो लेकर आपके लिए आया हूँ। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 दिसंबर 1984, ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी, बहुत बड़ी त्रासदी, एक बहुत बड़ी औद्योगिक दुर्घटना जिसमें काफ़ी लोग मारे गए, काफ़ी लोगों के इसके चपेट में आए, घायल भी काफ़ी लोग हुए। और देखिए उस गैस, वहाँ पर जो गैस रिलीज हुई मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NC2O, ये जो गैस रिलीज हुई वहाँ पर, इसमें क्या हुआ कि 3 दिसंबर और 2 दिसंबर के बीच की ये बात है कि वैसे तो मिथाइल आइसोसाइनेट इतने विषैली नहीं होती है, लेकिन जैसे ही ये जल के संपर्क में आती है तो तुरंत ही अपना विषैलापन दिखाती है। उस दिन भी यही हुआ, यूनियन कार्बाइड नामक जो वहाँ पर कंपनी थी, उसमें जो वहाँ पर एक प्लांट लगाया गया था उस कंपनी द्वारा, तो वहाँ कंपनी में हुआ क्या, ये देखिए कि कंपनी में क्या हुआ कि मिथाइल आइसोसाइनेट जो थी वो तुरंत वहाँ जल के संपर्क में आई, जल के संपर्क में आते ही वह विषैली गैस बनाती है और एक बहुत बड़ी मात्रा में एक विषैली गैस का वहाँ पर निर्माण हुआ, जिसकी चपेट में जब वो वायुमंडल में अपनी फैली, वायुमंडल में फैलने पर क्या हुआ कि लोग उसके काफ़ी चपेट में, लगभग 5 से 10 लाख लोग उसके चपेट में आए थे। और देखिए उसका प्रभाव ये रहा कि अब तक भी जो वहाँ बच्चे जो जन्म लेते हैं या अब तक की जो नई नई पीढ़ी आ रही है उनमें भी उस गैस का प्रभाव देखा जा रहा है। गैस का प्रभाव देखने के कारण उनमें अब भी संक्रमण पाए जाते हैं, मोस्टली जो है फेफड़े से संबंधित, लंग से संबंधित जो बीमारियाँ हैं उनका संक्रमण उनके अंदर बहुत तेज़ी से देखा जा रहा है और उनके शरीर के अंदर कोई ना कोई विकार उत्पन्न होता है। जैसे आपको पता होगा हिरोशिमा नागासाकी में जो बम फेंके गए थे, वहाँ पर भी जो अगर लोग जन्म लेते हैं उनमें के में भी विकार, काफ़ी प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे किसी के कान नहीं होता है, हाथ नहीं होता है, पैर लूले टाइप होते हैं, मतलब उनका जो प्रभाव है अब तक भी देखा जा रहा है। हालांकि इसी से टच जो अभी 11 मई 2020 को लेटेस्ट जो दुर्घटना घटी गैस से रिलेटेड ही, जो अपन भोपाल गैस त्रासदी को तो औद्योगिक दुर्घटना के रूप में कहा जाता है, लेकिन अभी जो 11 मई 2020 वेरी इंपॉर्टेंट, इसे रासायनिक दुर्घटना के नाम से जाना जाता है, जो इसमें जो गैस रिलीज हुई वो गैस थी स्टायरीन गैस। स्टायरीन गैस होती क्या है ये मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक एक कंपाउंड होता है, अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मोहल्ला में पढ़ते हैं, इसे पीवीसी गैस कहा जाता है, पॉलीवैनिल क्लोराइड। स्टायरीन गैस को क्या, ठीक है, पॉलीवैनिल क्लोराइड एक अपन बोलते हैं। देखिए फैक्ट्रियों में जो इसका यूज़ किया जाता है, अपन लिक्विड रूप में इसका यूज लेते हैं, एक रंगहीन सुगंधित ये पदार्थ होता है, लेकिन होता क्या है कि ये वैसे तो अपन लिक्विड यूज में लेते हैं, लेकिन जब ये क्या होता है आसानी से वाष्पित इसको किया जा सकता है, तो जब ये O2 के संपर्क में ऑक्सीजन या हवा के संपर्क में तुरंत आती है तो तुरंत ही अपनी विषैली गैस बनाती है। विषैली गैस बनकर जैसे जैसे लोग इसकी चपेट में आते हैं तो वही ये भी जिस बीमारियों का रूप ले लेती है, जैसे अल्पकालिक बीमारियां हो गई, अगर मात्रा इसकी कम आपके शरीर में एंटर की है, कम मात्रा में एंटर किया गया है, तो देखिए थोड़े से टाइम के लिए आपकी बीमारियां होती है, जैसे लंग से संबंधित बीमारियां या आंतरिक शरीर में जो बीमारियां होती हैं, लेकिन अगर अधिक मात्रा में आपके शरीर में ये पहुंची है तो काफ़ी बड़ी बीमारियाँ हो सकती है, जैसे फेफड़े से ज़्यादा बड़ी बीमारियाँ होती है शरीर में, जैसे और आपको एक बता दूं कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है जो लगभग इससे संबंधित होती है। हालांकि 11 मई 2020 को जो दुर्घटना घटी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, एक कंपनी दक्षिण कोरिया की LG कंपनी उसके द्वारा पॉलीमर प्लांट लगाया गया था वहाँ पर, जिसमें उपकरण इनके बनाए जा रहे थे, तो वहाँ पर स्टायरीन गैस ये रिलीज हुई। हालांकि 5 से 10 हज़ार जो लोग हैं इसकी चपेट में आए, जो घायल हुए, मौतें काफ़ी कम हुई, बचा लिया गया उन्हें। तो स्टायरीन गैस में ये कह सकते हैं, तो स्टायरीन गैस क्या होता है, एक तरल ज्वलनशील, देखिए ज्वलनशील ये पदार्थ होता है, तो तुरंत ज्वाला के साथ ये उत्पन्न होता है और अपनी इसके अंदर एक मैं आपको बता दूँ इसका जो निर्माण है, ठीक है, वो जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, रेशेदार हो गया, लेटेक्स हो गया, ठीक है, तो इनके निर्माण में स्टायरीन का यूज लिया जाता है और मानव शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक गैस है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट और स्टायरीन गैस बहुत ही हानिकारक दोनों गैस मानव शरीर के लिए है। और इसी दिन 3 दिसंबर 1984 और 11 मई 2020 दोनों टाइम ये गैस त्रासदी हुई। हालांकि 3 दिसंबर 1984 ये बहुत बड़ी त्रासदी जिसे अब तक भुलाया नहीं गया है, लेकिन उसी के साथ ही 11 मई 2020 को जो लेटेस्ट अभी ये दुर्घटना घटी, हालांकि थोड़ी सी ये हम कह सकते हैं कि थोड़ी स्टायरीन की मात्रा कम थी, लोग काफ़ी कम चपेट में आए, लेकिन जो
जो लोग चपेट में हैं उनमें ये था कि जैसे थोड़ी सी मात्रा जाती है, जैसे बेहोश आना, धुंधला बनाना, आंखों से दिखाई ना देना, तो ऐसी काफ़ी बीमारियाँ उसमें उत्पन्न हो रही थी जिससे काफ़ी लोग बीमार हुए। ठीक है, तो आज के वीडियो में अपन ने यहीं तक बात की कि यही बात थी 11 मई 2020 और 3 दिसंबर 1984 काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट, आपको कभी नहीं भूलनी है। हुआ क्या था, कौन सी गैस काम में ली गई, स्टायरीन होता क्या है, एक चीज़ और बता दूँ, स्टायरीन जो होता है बेंजीन, जैसे बेंजीन होता है C6H6, बेंजीन का एक व्युत्पन्न होता है, जैसे अपन बेंजीन की जो स्ट्रक्चर बनाते हैं एरोमेटिक जो स्ट्रक्चर होती है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर के ऊपर जब आप एल्किन लगाते हैं CH2 तो स्टायरीन बनती है C8H8 जो होता है, स्टायरीन का सूत्र होता है। इसी के साथ अपन ये बोलते हैं कि स्टायरीन एक ज्वलनशील पदार्थ होता है या रंगहीन सुगंधित एक गैस होती है, ठीक है, जिसका वाष्पन आसानी से किया जा सकता है और तो ये क्या होती है, बेंजीन का डेरिवेटिव होती है, C6H6 का डेरिवेटिव होती है। ठीक है, आज के वीडियो में हमने स्टायरीन और मिथाइल आइसोसाइनेट की यहाँ बात करी, दोनों गैस क्रांतियों की बात करी। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।